नमस्कार, मैं हूं सुदफ खान। आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं ये खास खबर। ज्ञान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कबूलपुर खादर फरीदाबाद के चेयरमैन ज्ञान चंद ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है और शिक्षा ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे और बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ ना भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। और आज के इस युग में सबसे दुख बात यह है कि आज गुरु और शिष्य की भावना एक दूसरे के प्रति नहीं रही जो पुराने समय में रहा करती थी। सर, शिक्षा के स्तर को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, इस संदर्भ में आप अपने विचार व्यक्त करें। मैं ज्ञानचंद, चेयरमैन ज्ञान एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी कबूलपुर खादर, संचालक ज्ञान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कबूलपुर खादर। शिक्षा के स्तर को सुधारने के संदर्भ में मैं अपने कुछ विचार रखना चाहूँगा। उनमें सबसे पहला जो विचार होगा वो ट्रेन टीचर रखने होंगे। सभी प्राइवेट स्कूलों को 10 टीचर रखने होंगे तो शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा। दूसरा, हमें सिलेबस भी एक बोर्ड और एक सिलेबस का प्रणाली अपनानी होगी। इसके अलावा जो हमारा RTE का राइट टू एजुकेशन का जो सिस्टम है वो भी गलत है। उसमें बच्चों को फेल करने की जो प्रणाली है वो गलत है। बच्चों को फेल किया जाए तो उनको शिक्षा में सुधार होगा, क्योंकि फेल होने से बच्चे को अपने मॉरल जो है एक्चुअल रिजल्ट के बारे में पता चलता है। सर, आज नैतिक मूल्यों में गिरावट निरंतर देखी जा रही है, इसके लिए जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? इसके लिए जो है सबसे पहला अभिभावक है, क्योंकि प्रथम गुरु अभिभावक होता है। इसके बाद बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल पर शिक्षक पर बनती है, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो अभिभावक है, क्योंकि बच्चा 24 घंटे में से 18 घंटे घर पर रहता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को संस्कार देता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि बच्चा अंग्रेजी घर में पैदा होता है तो अंग्रेजी बोलना सीखता है, और किसी पंजाबी के घर में पैदा होता है पंजाबी सीखना बोलना शुरू करता है, हिंदी के घर में जन्म लेता है तो हिंदी बोलना शुरू करता है। इसी प्रकार जो माँ बाप के संस्कार होते हैं वो बच्चों में जरूर निहित होते हैं, तो उनके लिए अधिकतर जो है शिक्षक की अपेक्षा अभिभावक ज़्यादा जिम्मेदार है। सर, आज के समय में यौन शिक्षा को क्या अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? नहीं, पाठ्यक्रम में करना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना जो विचार है वो 10th, 11th, 12th तीन क्लासेस के अंदर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर इस उम्र इस क्लास में आने के बाद बच्चे में थोड़ी मेच्योरिटी आ जाती है, बच्चे को अच्छे बुरे का पता चल जाता है। छोटे बच्चों में ये सुविधाजनक नहीं होगा। बड़े बच्चों को इस चीज़ के बारे में जो है नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि हम अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो मेरा अपना विचार है कि 10th, 11th, 12th तीन क्लासेस में जो यौन शिक्षा प्रणाली लागू की जानी चाहिए। हाँ सर, प्राइवेट स्कूल पर फीस वसूलने का मनमानी का आरोप लगता है कि इन्होंने शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया है, कहाँ तक आप इस बात से सहमत हैं? सर, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। प्राइवेट स्कूल अच्छा रिजल्ट देते हैं, अच्छी फैसिलिटी देते हैं, अच्छी सुविधाएं देते हैं। सर, आप अभी सरकारी स्कूलों में भी जाकर के थोड़ा निरीक्षण कीजिए, आपको शायद सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूल देते हैं, लाइट, जनरेटर, बिल्डिंग, भवन, सारा कुछ देते हैं, बच्चों को अच्छी सुविधा देते हैं और टीचर भी अच्छे रखने की कोशिश करते हैं। यदि प्राइवेट स्कूल अच्छे टीचर नहीं रखेगा तो नेचुरल बात है, बच्चे वहाँ क्यों आएंगे? बच्चे कहाँ आएंगे? जहाँ को सुविधा मिलेगी, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। तो इसलिए मैं बिल्कुल सुभाष से सहमत नहीं हूँ। जब अपने खर्चे चलाने के लिए कोई प्राइवेट स्कूल जो बच्चों से फीस लेगा, नेचुरल बात है स्कूल पर ही लगाएगा और सुविधा देगा। यदि बच्चों स्कूल की फैसिलिटी सुविधा अच्छी नहीं होगी तो बच्चा कोई पेरेंट्स नहीं भेजेगा। तो इसलिए सर, शिक्षा के माध्यम से छात्र किस तरीके से उज्जवल भविष्य बना सकते हैं? देखिए, शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। बेसिक शिक्षा बच्चों को कम उम्र में, यानी छोटे बच्चों से शुरुआत की जाती है, वहीं शुरुआत करते करते बच्चा आगे बढ़ता है और देश का भविष्य बनता है। यदि हमारे बच्चे अच्छे शिक्षित होंगे तो हमारा समाज, देश, गाँव सब विकास करेंगे। शिक्षा के बिना तो देश विकास कर ही नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा बिल्कुल जीवन के लिए एक अनिवार्य तत्व है। तो शिक्षा यदि हमारी बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, देश विकास करेगा, और बिना शिक्षा के कोई देश विकास नहीं कर सकता।